नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। एक और स्टूडेंट का गुस्सा जेपीएससी को लेकर जारी है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की सरकार ने कुछ वैकेंसी लाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन सरकार ने मोराबादी मैदान में कई कार्यक्रम करने का अनाउंसमेंट कर दिया। प्रोजेक्ट भवन में तो होगा ही कार्यक्रम, इसके अलावा मोराबादी मैदान में भी होगा। उस दिन सरकार बहुत से विभाग के लोगों को नौकरी देगी, इसके साथ साथ ये बताएगी कि सरकार की विजन क्या है, योजना क्या है। झारखंड में रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं, यहाँ पर नौकरी मिल नहीं रही है, और जो पहले से नौकरी चल रही थी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका था, उसे रद्द किया जा रहा है। इसलिए अब सभी की निगाहें 15 नवंबर को जाकर टिकी हुई है। लोगों को ये लग रहा है कि इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, कुछ एग्जाम से संबंधित घोषणा कर सकते हैं, नौकरी और नियुक्ति से संबंधित घोषणा कर सकते हैं, और नियमावली को लेकर के भी बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वैसे सभी विभाग को 31 अक्टूबर तक ही नियमावली सुधारने का दिया गया था अल्टीमेटम, या यूं कहें तो सीमा, लेकिन इस सीमा में बहुत से विभाग नहीं बना पाए संशोधित नियमावली को, इसलिए झारखंड में नौकरी रुकी हुई है। लेकिन 15 नवंबर के पहले नौकरी का आना तय है। जेएसएससी के कई विज्ञापन बन करके तैयार हैं और उसे किसी भी समय लाया जा सकता है, जिसमें जेएसएससी सीजीएल का नाम प्रमुखता के साथ है, सचिवालय का नाम भी इसमें है, और साथ ही साथ झारखंड में कांस्टेबल बहाली और सिपाही बहाली को लेकर के भी रूपरेखा तैयार हो गई है, यानी कि इसकी नौकरी की घोषणा पहले हो जाएगी। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि वह नौकरी प्रक्रिया को शुरू कर दे, ताकि स्टूडेंट जो इस समय बहुत नाराज हैं, वह न्यूट्रलाइज हो और डैमेज कंट्रोल हो। जेपीएससी को लेकर के स्टूडेंट पहले से नाराज चल रहे हैं। जेपीएससी के अधिकांश परीक्षार्थी ने यह मांग कर दिया है कि चूंकि जिस प्रकार से सीरियल वाइज तरीके से अलग अलग केंद्र पर रोल नंबर पता चला है, उसके आधार पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। ये ठोस निर्णय कैंसिल के रूप में होना चाहिए। स्टूडेंट्स का यह भी दावा है कि ये तो कुछ सेंटर पकड़े गए हैं, जो लोग नहीं पकड़े गए हैं उसके बारे में भी वो जानते हैं कि वहां भी गड़बड़ी हुई है, इसलिए बृहद जांच की जरूरी होगी, और ये जांच अगर नहीं होगा तो आंदोलन लगातार तेज होगा, और आंदोलन चल भी रहा है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी का रुख अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, यानी कि जेपीएससी इस मामले पर क्या कहना चाहती है, वो क्लियर स्टैंड नहीं है उसका, और वो सोच विचार की मुद्रा में बैठी हुई है। सरकार की ओर से भी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, विपक्षी पार्टी की ओर से बयान जरूर आया है, लेकिन 15 नवंबर तक में सरकार कई फैसला लेगी। उम्मीद एक की जा रही है कि कुछ वैकेंसी की पहले घोषणा कर देगी और 15 नवंबर को बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसमें अनुकंपा पर आधारित जिन्हें नियुक्ति पत्र देना है उन्हें भी दिया जाएगा, टीचर में जो लोग बहाल हो चुके हैं उन्हें दिया जाएगा। उम्मीद अब पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थी भी कर रहे हैं कि कहीं उनके लिए भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पंचायत सचिव और लिपिक के अभ्यर्थी कई वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस बार 15 नवंबर को उनके लिए अच्छी खबर आएगी। इसके अलावा जो रिजल्ट रुका हुआ है उस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन जो 6 विज्ञापन रद्द हो गया है उसके तमाम बच्चे अब हाईकोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। इनका अब मानना है कि न्यायपालिका ही एकमात्र विकल्प है और न्यायपालिका के द्वारा ही अब उन्हें न्याय पाने की उम्मीद है। इसके साथ साथ झारखंड में जो वैकेंसी की रूपरेखा बनाई जा रही है उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि जेएसएससी से जो वैकेंसी लाई जाएगी उसमें इंटर और मैट्रिक दोनों झारखंड से करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो बच्चे मैट्रिक और इंटर झारखंड से किए हैं सामान्य है तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा झारखंड में नौकरी में, अन्यथा दूसरे राज्य वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एससी एसटी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट दूसरे राज्य में भी मैट्रिक अथवा इंटर पास किए हैं तो उसे मौका दिया जाएगा झारखंड में नौकरी के लिए। और इसी चीज को लेकर स्टूडेंट पूर्व में आलोचना किए थे और इसे लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। अब ये मामला
जो समझ में आता है कि सरकार विज्ञापन लाएगी, नौकरी का वादा कर देगी, पंचायत का चुनाव हो जाएगा, तब तक मामला कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट इस पर बात करेगी, ये बोलेगी कि इस पूरे मामले पर वो नजर रख रही है, फिर सिंगल बेंच का फैसला आएगा, डबल बेंच का फैसला आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। यानी कि सोनी कुमारी जैसा फिर से एक बार उलझन पैदा हो जाएगी। झारखंड में सबसे बड़ी दुविधा की बात यही है कि यहाँ के लोग नौकरी के लिए सोचते जरूर है, केस मुकदमे में हमेशा फंस जाते हैं, और स्टूडेंट करे तो क्या करे, जब अन्याय होता है, जब उनकी और कोई देखने वाला नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। आप जेपीएससी में देख रहे हैं कि स्टूडेंट जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं लगातार। उनका यह मानना है कि चोरी हुई है, कदाचार हुआ है, तो अरेस्टिंग तो होनी चाहिए। अरेस्टिंग के साथ साथ उन बच्चों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए जो लोग टीचर के साथ मिलकर, इनविजिलेटर के साथ मिलकर इन चीजों को अंजाम दिए। इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि इस पर भी मुख्यमंत्री चाहे तो कुछ फैसला ले सकते हैं, वो बोल सकते हैं। फिलहाल हर विभाग अपने अपने क्षेत्र से विज्ञापन कितने कितने किस जिले में है, पूरे राज्य में क्या स्थिति है, ये कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा करने की देरी है, और मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे 15 नवंबर के आसपास, यानी कि 15 नवंबर तक में बहुत सी घोषणा हो जाएगी। 15 नवंबर को और भी योजना सरकार बताएगी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उस योजना के ऊपर झारखंड के युवा कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। यही कारण था कि जब जेपीएससी ने एक वैकेंसी निकाला, सिर्फ 252 सीट निकाला, तो तकरीबन 5 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया। हालांकि एपीएल 2,40,000 बच्चे ही हुए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म भर देना एक एक चीज बताता है कि झारखंड में बेरोजगारी का लेबल कितना चला गया है। जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में कटअप के अचानक बढ़ जाने के बाद स्टूडेंट्स की नाराजगी सामने आ गई, और लोग इस समय सोशल मीडिया में सरकार की जबरदस्त आलोचना कर रहे हैं। सरकार से वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस पर क्या कहते हैं, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। लेकिन इस समय गवर्नमेंट सिर्फ जेएसएससी के ऊपर फोकस कर रही है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अधिकांश बच्चे झारखंड में जेएसएससी की तैयारी करते हैं, हालांकि जेएसएससी का कोई स्पष्ट नियमावली, जेएसएससी का कोई स्पष्ट सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो इसी दुविधा में ना तो कोई पुस्तक बाजार में निकल पाई है, सारे प्रकाशन इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चों ने तैयारी शुरू कर दिया है पुराने सिलेबस के आधार पर। जो बच्चे इस समय इंतजार कर रहे हैं उन्हें बता दें कि थोड़ा बहुत ही सिलेबस में फेरबदल होगा, लेकिन पूरा फेरबदल नहीं होगा, इसलिए आप अपनी तैयारी पुराने सिलेबस के आधार पर कर सकते हैं। सरकार को भी पता है कि जेएसएससी के लिए इस बार अगर फॉर्म भरा जाएगा तो 10 लाख की भी संख्या पार हो जाएगी, इसलिए वो विज्ञापन में ज्यादा सीट लाना चाहेंगे, नियमावली को आसान करके प्रकाशित करना चाहेंगे, सिलेबस को इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें दिक्कत नहीं हो। हालांकि एक दिवसीय परीक्षा होगी, सेकेंड एग्जाम नहीं होगा। यही कारण है कि इस पर अभी से उंगली उठना तय हो गया है, लोग उंगली उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसमें जबरदस्त सेटिंग होगी, क्योंकि एक बार जो परीक्षा होती है तो इतने स्टूडेंट को गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर पाएगी। जेपीएससी में 2,40,000 बच्चे को, अगर 5 लाख बच्चों का भी फॉर्म देखा जाए तो 5 लाख बच्चे को ब्लॉक स्तर में सेंटर दिया गया, और जिसकी गड़बड़ी आपके सामने है कि लगभग अधिकांश ब्लॉक में चोरी चली। टीचर स्टूडेंट को बताए सारी चीजों को, गूगल से चोरी हुई, और यही कारण है कि आज इस विज्ञापन को रद्द करने की सिफारिश की जा रही है। जब जेएसएससी की परीक्षा होगी और एक ही दिन में हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि प्रखंड के अलावा इस बार गांव में भी सेंटर करना पड़ेगा। यानी कि जिस स्कूल में गांव के बाहर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, उस स्कूल के बाहर शाम को आप बैठ कर गपशप भी करते हैं, वहीं पर आपकी सेंटर हो जाएगी, टीचर भी आपके गांव के ही रहेंगे। ऐसे में परीक्षा कितना सटीक होगा, कितना जेन्यून होगा, ये अभी से एक सवाल और चुनौती हो गया है। जेपीएससी के पास या जेएसएससी के पास या झारखंड सरकार के पास अभी तक ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बैंकिंग एसएससी के जैसा रेगुलर ऑनलाइन मोड में परीक्षा ले। झारखंड के रूरल एरिया में अभी तक सरकार कंप्यूटर व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ नहीं कर पाई है कि जिससे यहाँ के बच्चे जो हैं वो
पूरी व्यवस्था को समझें और अपना परीक्षा जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से दें। ऐसा इसलिए है कि सरकार दावा तो कर रही है कागज में कि वो हर सेक्शन में टैबलेट बांटी है, टैब, और हर क्षेत्र में कंप्यूटर बांटी है, लेकिन हकीकत किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी फॉर्म भरने में कई लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनको कंप्यूटर की सही जानकारी ही नहीं हो पाई है। ऐसे में JSSC का विज्ञापन आना, विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती मिलना और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होने से कितना अच्छा परीक्षा हो पाएगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल खुश होने वाली बात यही है कि विज्ञापन आ रहा है और नियुक्ति पत्र इस बार 15 नवंबर को दी जा रही है। आगे हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। हमारा टेलीग्राम चैनल है विनय IAS एकेडमी, जिसमें विनय IAS का आपको लोगो नजर आएगा, उसको आप अगर ज्वाइन कर लेते तो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, घर में तैयारी कैसे करनी है, सभी चीजों की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगा और बहुत सारी फ्री क्लासेज वाली वीडियो भी उसमें जरूर से मिलेगी। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।